पे क्वेश्चन है, ये इनइक्वालिटी है और आपको एक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब ये तीन कंडीशन है, या तो एक्स इंटीजर होगा, या एक्स होल नंबर होगा, या फिर एक्स नेचुरल नंबर होगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं, बहुत आसान इनइक्वालिटी है। लेस देन का साइन लगा हुआ है, 5x+40 मैं लिख रहा हूं इसे खोलकर, 20-5x। और आगे सॉल्व करते हैं, 5x उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10x, 40 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -20, यानी कि x>-2। ये अपनी मतलब इनइक्वालिटी की कंडीशन कहती है कि x>-2। अब -2 से बड़ा होगा, अगर सब कुछ रियल होता तो इस तरह से कुछ आता कि भाई -2-1, 0, 1, 2। अगर रियल, अगर मैं देखिए ये आंसर नहीं है, अगर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स होता तो हमारा आंसर इस तरह आता, ये ओपन सर्कल होता, -2 इंक्लूडेड नहीं होता और ये आंसर होता हमारा अगर रियल होता। पर यहां पे रियल कहीं पूछा नहीं है, लेकिन इधर ही से हम लोग इनका आंसर लिख सकते हैं। एक्स बिलोंग्स टू आई अगर है तो सबसे छोटी वैल्यू, तो सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है जो अपने काम का है, -2 इंक्लूडेड नहीं होगा तो हमें आंसर लिखना पड़ेगा x=-1। ठीक है, और अगर x बिलोंग्स टू होल नंबर है उस केस में सबसे छोटा होल नंबर होता है 0, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1, वो इंक्लूडेड है, x=1 हमारा आंसर।